टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि आजकल पूरे मुल्क का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है, ख़ास तौर पे कराची हाइट से बहुत खुश है। पिछले कोई 4-5 दिन से तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश धोखा दे रही है, लेकिन रात को कभी कभी एक छोटी मोटी आँख में छोली बारिश हमारे साथ खेल लेती है, ड्रिजलिंग हो जाती है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जो सबसे खुश आइंद बात है वो ये है कि अबर आलूद मौसम है और बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। बड़ा अच्छा मौका है कि जो लोग सुबह उठ के बाहर योगा करते हैं अपने आंगन में या एक्सरसाइज करते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सुबह के बहुत शानदार होते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है अगर आप सुबह सुबह जागें तो एक बरकत सी होती है ज़िंदगी के अंदर, आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, एक पॉजिटिव वाइब आपको नेचुरली मिलती है और धूप जो है वो आपका डिप्रेशन ख़त्म करती है। तो सुबह सुबह उठा करें और जो घर में नहीं उठ रहा उसको उठाया करें और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़ानंदोज़ हुआ करें। बहुत सारे इस तरह के भी लोग होते हैं जिनके घरों में ज़्यादातर खिड़कियाँ नहीं होती या वो किसी ऐसे फ्लोर पर रहते हैं जहाँ एक छोटी सी कहीं खिड़की होगी उस पर भी हर वक्त पर्दा डला रहता होगा कि भाई बहुत धूप आती है, तपिश आती है, घर गर्म हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह की धूप आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो उस खिड़की का फ़ायदा उठाएं, वो सिकाई करें धूप से ताकि आपका जो विटामिन डी लेवल्स है वो थोड़े लेवल्ड अप हो जाए। लेकिन ख़ास तौर पर वो वाले लोग जिनके घरों में खिड़कियाँ हैं और बार बार घरों में एक वेंटिलेशन होता है, एक हवा का गुजर होता है, उनकी ज़िंदगी ज़ाती तौर पे भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने जितने भी मेरी घर में दीवारें थी मैंने हर जगह कोशिश की कि एक अच्छी खासी खिड़की बनाऊँ क्योंकि वेंटिलेशन जो है, जो ऑक्सीजन का गुजर है, वो बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन वो लोग जिनके घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों के अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल हाई नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि आपको मुख्तलिफ तरीक़े बताएंगे कि यार ये किया करो, सुबह के वक्त दरवाज़ा खोल दिया करो, शाम के वक्त खोल दिया करो। हम आपको एक अनोखा और एक नया तरीका बताएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्ट्राइक, फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है शेफ नौरीन ने। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ही आप किचन में लगी हुई है माशाल्लाह। सुबह सुबह फ्रेश होता है ना और इतने जबरदस्त प्लांट्स लगे हुए तो और भी इंसान फ्रेश हो जाता है। सूर्य कैसा लग रहा है मौसम आजकल? बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत मौसम हो रहा है 2-3 दिन से असर, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द वेदर। अच्छा मुझे एक बात बताएं नौरीन, आपका जो घर है, जो आपका लाउंज वगैरह है, वहाँ पे विंडोज है, वेंटिलेशन होती है या बंद रहता है? लाउंज में बंद रहता है लेकिन रूम्स में है। रूम्स में? हाँ, रूम्स में है। अच्छा आपको पता है लाउंज के अंदर हम लोग काफी सारा वक्त गुजारते हैं और मेहमान भी आते हैं तो वो जो दोस्त आते हैं जो कि थोड़े से बेतकल्लुक होते हैं आपसे, वो लाउंज में ही रहते हैं। एग्जैक्टली। और लाउंज के अंदर आपका ऑक्सीजन का एक लेवल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो लेवल बैलेंस कैसे करेंगे ये बताएंगे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त मुस्लिम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए। नहीं, और ये खूब मेरा ऑप्शन है, ये तो मेरा ऑब्सेशन है और वो ऑब्सेशन में पता है ना कि उसकी तो हम हर वक्त तैयार है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट, नो लिमिट। और ये आप इतने खूबसूरत प्लांट्स दिख रहे हैं मुस्लिम रजा साहब, जिस तरह अभी मैं ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे और मैं आपको पूछ रहा था कि घरों में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कभी भी एक सा नहीं रहता और बेतहाशा इस तरह के लोग हैं जो कि खिड़कियां वगैरह नहीं बनाते या नहीं होती या रेंटेड हाउस में होते हैं वहाँ इजाज़त नहीं होती, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऑक्सीजन लेवल बैलेंस मैंने सुना प्लांट्स के बदौलत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और देखो असफर, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि हमारा जो इस अर्बन एरियाज़ है ना, अब चूँकि वो एरिया जो कंजस्टेड हैं जहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, वहाँ पर इवन ट्रीज नहीं लग सकते, ऐसी भी जगह हैं जो इतनी कंजस्टेड है, तो वो अपने एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आज फिर ये बात ही कह रहा हूँ,
कि 70% ऑफ द टॉक्सिक्स जो हैं वो हमारे थ्रू नोज, थ्रू माउथ और उससे जाते हैं, और सिर्फ 30% है जो हम किसी चीज़ को खाते हैं और हमारे स्टमक में जाके वो इस तरह की ये खराबियाँ पैदा करते हैं। 60% 70% 70%। तो अब 70% जो है जिसमें अमोनिया है, जिसके अंदर ज़ाइलीन है, जिसके अंदर बेंजीन है, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें जो है ये जहरीली गैसें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर घूम रही होती है। क्योंकि उसको बचाने के लिए मैं फिर ये कहता हूँ कि हम ही अपने घरों में, जैसे अभी इन्होंने मुझे कहा, अभी कहा ना कि हम अपने टीवी उसको जो है टीवी लाउंज को कम खोलते हैं, तो मैं फिर ये कहूँगा कि जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना वो ये ना करें, उनको एक आध खिड़की ज़रूर खोलें, ये उसमें क्रॉस वेंटिलेशन आनी चाहिए। वो जो प्लांट्स हैं उसमें इतने प्लांट्स हमारे पास हैं मौजूद, ऐसे जो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए होता है सन का, थोड़ी सी उसको मॉइस्चर चाहिए होती है, थोड़ी सी एयर पैसेज चाहिए होता है, दैट्स इट। और उसके बाद क्या है कि विदाउट एनी यू नो स्पेंडिंग मनी यू कैन क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट। आप अपने अपने घर की देखो, अभी मैंने कुछ एक जगह पे मैं एक सेमिनार में बात कर रहा था, मैंने कहा देखें बात ये कि आप असफर खुद देखा होगा, आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग अच्छी एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें ना तो ज़्यादा उनको हाइपर देखा होगा तुमने, ना कभी एंजाइटी का शिकार देखा होगा, रिलैक्स्ड होते हैं। और वो हर जिंदगी के हर शोबे में, क्योंकि देखो कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, बेशक। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो फिर तो सब एक बीमार जहन के साथ ही आप माशरे में जी रहे होंगे, कर रहे होंगे ना। तो ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हम तो उन लोगों में से हैं ना जो अब कहते जा रहे हैं, ठीक है ना, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। 100 बंदे सुनते हैं हमसे, 10 बंदे ऐसे होते हैं जो उस उनके ट्रांसमीटर्स खुले हुए होते हैं और उसको रिसीव करते हैं और आगे थ्रो करते हैं मैसेज को। और एक मैं शेर पे याद आ गया, चलते हुए आ रहा था मैंने यार, कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे जो वाजिब ही नहीं थे। क्या बात है। तो हम तो पैशन है ना हमारा, तो ऑब्सेशन है, बिल्कुल सही बात है, ऑब्सेशन है कि हमें छोड़ना नहीं है इसको। और ये इतनी मज़ेदार बात है, मैं बताऊँ असफर आपको, कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी अट्रैक्शन डाली हुई है कि हम किसी को, मैं एक सोविनियर के तौर पर एक पॉट दे देता हूँ ना, तो फिर मुझे फीडबैक आता है कि नाउ आई हैव गॉट 20 पॉट्स, आई हैव गॉट 30 पॉट्स। तो दिस इज़ व्हाट आई नो, मुझे पता है कि इसको मैं इस लाइन में एक दफ़ा लगा दूंगा ना तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं भी नहीं करता हूँ। अब बेटा अगली मुलाकात होगी तो पूछूंगा कितने हैं तुम्हारे पास। आपको पता है यूरोप में अगर आप किसी की शादी में जाते हैं, इवन इन अमेरिका, वहाँ पे एक बहुत मेजर ये ट्रेंड है कि आप एक प्लांट उनको तोहफे में देते हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी का, एक ग्रोथ का सिंबल होता है। हमारे यहाँ कहते हैं क्यों देखो, मुझे लगता है जितनी ये वाली थॉट्स आप प्रमोट करेंगे उतना अच्छा होता है। मैं तो ज़ाती तौर पर भी लोगों को प्लांट्स गिफ्ट करता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। लेकिन मुस्लिम रजा साहब मुझे एक बात ये बताएं कि जिन लोगों की क्लोज एनवायरनमेंट है और अगर उनको अपने घर के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स बैलेंस करने हैं तो उन्हें कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए? देखो असफर, मैं इसमें बताता हूँ कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिक्लेयर्ड 10 प्लांट्स और उन्होंने 1989 में डिक्लेयर किया था। अच्छा हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, जैसे हमें तो शौक है, फ़ौरन में देखा इन 10 प्लांट्स में हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो सबसे पहले मैंने देखा अरे हमारे पास ये भी है इसमें, हमारे पास ये भी है, ये भी है। तो हमने फौरी तौर पर मैंने कहा अब मैं इन प्लांट्स को पकड़ लो और इसको दबा के प्रमोट करो, क्योंकि वो प्लांट्स हैं विच आर वेरी रोबस्ट, वेरी कॉस्ट, वेरी लिटिल कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस। हाँ, अब मैं इसमें आगे तफसीलात बताना शुरू करूँगा और वो तफसीलात हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्लिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर आप भी किसी किस्म की आगाही चाहते हैं प्लांट्स को लेकर तो हमें कॉल कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। मुस्लिम रजा साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा हवा का गुजर नहीं है, वेंटिलेशन कम है, वहाँ आप एयर क्वालिटी बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे एयर क्वालिटी बेहतर होने से क्या है, पंखा तो हर वक्त चलता रहता है,
अगर ऑक्सीजन लेवल्स लो होते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको हमेशा थकान हो सकती है। आपको पता है इतने सारे लोग हैं जो बाहर मुल्कों में जाके ऑक्सीजन चैम्बर्स में बैठते हैं ताकि उनकी सेहत बेहतर हो, तो हमें भी अपने घरों के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए। सर, कौन से प्लांट्स हैं जिनको अगर हम लगाएं अपने इस तरह के कमरों में जहाँ पे ज़्यादा हवा का गुजर ना हो तो एनवायरनमेंट बेहतर रह सकता है? मैंने कहा कि नासा ने जब डिक्लेयर किया तो सबसे पहले मैंने जब देख में दंग रह गया, वो था स्नेक प्लांट, जिसको जिसका दूसरा नाम है मदर इन लॉज टंग। मदर इन लॉज टंग, और वो ये है, पड़ा है, ठीक है ना, ये है स्नेक प्लांट। एंड इट यू नो क्रिएट्स ऑक्सीजन और प्योरीफाई योर एनवायरनमेंट डे एंड नाइट। अमूमन यू नो फिनोमेना क्या है, फिनोमेना ये है कि सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स और आपके लिए ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाइट प्लांट है जो दिन में और रात में आपके लिए काम कर रहा है। ये मनी प्लांट भी यही काम कर रहा होता है, बेम्बो पाम भी काम कर रहा होता है। तो हमारे पास तो कुछ ऐसे प्लांट है, एलोवेरा भी यही काम कर रहा होता है। तो और इनको पानी बहुत कम इसलिए देना होता है कि तुमने देखो कि लीव्स में इतने थिक लीव्स होते हैं कि वो अपने अपना मॉइस्चर स्टोर कर लेते हैं लीव्स के अंदर। एलोवेरा भी करता ही है अंदर ना, तो उसको आपको अगर 10-15 दिन 20 दिन में भी पानी देंगे तो कोई मसला नहीं। उसको हमें अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं हम क्या करें, हमारे पानी कम है, तो ठीक है। देखो When you have, जब अज़्म आप कोई करते हैं ना तो आप रस्ते खुद ढूंढ लेते हैं। When there's a will, there's तो इतने बिजी हो मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने घर को पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया हुआ है। और क्यों बनाया हुआ है, कि वो अज़्म बीच में शामिल है ना। फिर वही मैं बात करूँ, अज़्म जो शाम आता है ना वो ग्रास रूट लेवल से आता है। अभी मैंने आज मैंने हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे इंसान हैं वो तारिक कैसर, अलेक्जेंडर कैसर, तो आज मैंने देखा कि वो बंडल आइलैंड में इतने से पानी में लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और कह रहे हैं खुदा के वास्ते। मतलब मेरा ख्याल है कि उनका कैसर का रोना रह गया था बस, बाकी तो सब कुछ वो कर रहा था। अलेक्जेंडर भाई शो पे भी आ चुके हैं मैंग्रोव्स के लिए, एंड वी हैड अ ग्रेट शो विद हिम। सर मुझे बताएं ये कौन सा प्लांट है? ये भी स्नेक प्लांट है लेकिन इसकी डिफरेंट काइंड है, दूसरी स्पीशी है। हाँ, ये असल में होता ये है कि अल्लाह ताला ने जो प्लांट्स बनाए हैं ना उनमें बड़ी वेरिएशन है। जैसे फाइकस है, फाइकस क्या है, फाइकस इज पीपल। अब जो पत्ते भी उसमें आएंगे उस शेप में आएंगे वो फाइकस ही कराएंगे, उसी की फैमिली कराएगी। बिल्कुल सही बात है। कितना, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा कि कितने प्लांट्स होंगे, मैंने कहा अरबों खरबों। तो आप अरबों खरबों प्लांट्स को कैसे अब उनके सबके नाम दे सकते हैं आप उसको? मतलब और जो अभी तक ह्यूमंस ने, अब देखो ना 50 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है, 50 अबाउट एकर्स का, तो वो अमेज़न जो जंगल है उसमें आपको अभी पता ही नहीं कितनी स्पीसीज है जो एक्सप्लोर ही नहीं हुई है वहाँ पर। इतना थिक फॉरेस्ट है वो। तो इसी तरीके से दुनिया में ये प्लांट्स बहुत हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी शुरू करता हूँ मैं, जैसे मदर इन लॉज टंग, घेकवार, एलोवेरा बहुत आसान है, कोई बात नहीं, बेम्बो वो सामने बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है, बेम्बो पान, बेम्बू पान, ठीक है ना, बड़ा आसान है, बड़ी अच्छी तरह हमारे ये ज़ाइलीन को कर्टेल कर रहा है, बेंजीन को कर्टेल कर रहा है, अमोनिया को कर्टेल कर रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कर्टेल कर रहा है। मुझे पता है ये भी बेम्बू ही है। हाँ, बेम्बू है ना वो, लेकिन इनके रंग में यूँ इतना फर्क। अब मैं बताऊँ क्या चक्कर है, देखो इसको हमें 10-15 दिन में एक दफ़ा बाहर जाके सन का एक्सपोजर देना है। जब वो सन का एक्सपोजर मिलेगा तो वो वापस अपनी एनर्जी रीगेन कर लेगा, फिर आपके लिए देन वो प्लांट ऐसे ही होता है जैसे शट डाउन करते हैं ना जैसे फैक्ट्री को, तो इसको भी शट डाउन चाहिए ना, आपने उसको थोड़ी सी एनर्जी दी फिर आपके लिए काम शुरू कर लेगा। इवन ये जो मदर इन लॉस टंग है, बल्कि आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ये तो बेडरूम्स के अंदर रखना है आपको बिल्कुल, यानी आप, और चूंकि पाकिस्तान इन 10 ममालिक में जो कि मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं पूरी उसमें शामिल है, तो हम कैसे, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, इज ओनली दिस मैनेजमेंट, और दिस मैनेज इज नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी, इतना आसान है कि आज मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि तुम यू खुद योर सेल्फ इज इंस्पायरेशनल फोर्स फॉर एवरीबडी, कि लोगों को आज ही शुरू करना है, ये आज ही करना है। अगर आज नहीं करेंगे यकीन करो, आज हमारे देखो बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं उनको हमें अच्छी एनवायरनमेंट देनी है। बिल्कुल सही बात है, माशाल्लाह आप अभी नाना बने। हाँ, मैं नाना बन गया हूं। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये जो एक कैफियत होती है खुशी की जब आप एक ग्रैंड पेरेंट बनते हैं, exactly. वो बहुत ही खूबसूरत, कहते हैं असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। हमारी एक थे जानने वाले, वो कहते थे कि औलाद जो है वो बादाम है, और औलाद की औलाद जो है ना वो तुख्मे बादाम है, यानी सीधे गली है। क्या अच्छी बात है। तो मेरी बात सुनिए, ये वाला जो प्लांट है इसका क्या नाम है? ये है ड्राई लेमन ग्रास।
ग्रास ड्राई ड्राई. अब क्या है कि जैसे शेफ वहाँ बैठी हुई है ये आराम से इसकी ग्रीन टी बना सकती है जबरदस्त किस्म की. किसका ऐसी ग्रीन टी किसका इंतजार कर रही है? बन सकती है, खाए खाने बन सकते हैं, लेमन बन सकते हैं, कुजीन हो ही नहीं सकती ना लेमन ग्रास के बगैर. ये तो मैं लेके जाऊंगी, बिल्कुल ले जाए. मुझे आज लग रहा है कि टीवी वन आज कोई चीज भी मेरी रिलीज नहीं कर रहा. ये देखे अभी मुझे फीडबैक्स मिले. देखो ये भी ये मेरे लिए बड़ी खुशी है कि जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मैं आपको वापस नहीं कर रहा, मैं दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, इट मीन्स के दे हैव गॉट दैट सॉर्ट ऑफ अर्ज के टू गेट दैट प्लांट ऑन विच मैं तो पता है बोरों में आज मैं बता रहा हूँ देखने वाले सुनने वालों को, बोरों में मैंने लेमन ये रखा हुआ है, स्नेक प्लांट, मदर इन लॉ स्टंक, और कहते हैं लेके जाओ. कम अज कम तुम इस ऑब्सेशन में दाखिल तो होगे ना. एक जगह पे तो मैंने कहा मैं तो हीरोइन बेचता हूँ, कहते हैं आप हीरोइन बेचते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं प्लांट दे देता हूँ. वो उसी वक्त एडिक्ट हो जाता है वो बंदा, और उसके बाद वो उससे निकल ही नहीं पाता बाहर. और मुझे लगता है कि और मुझे लगता है शब्दोरीन एक ज़हनी सेहत बड़ी बेहतर होती है. Exactly, अगर mental plant, health. हाँ, प्लांट्स के साथ वक्त गुजारे, एक तो हरा रंग अगर आप देख रहे होते हो तो आपका ज़हन बड़ा अच्छा. अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो लाइक मदर इन लॉ टंग लाइक स्नेक प्लांट, ठीक है ये क्यों, व्हाई मदर इन लॉ टंग? मैं आपको बता दूं. देखो ये ना समझो कि सिर्फ हमारे इस रीजन में सब कॉन्टिनेंट के रीजन में ही रिलेशनशिप बिटवीन मदर बिटवीन डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, वो वहाँ अमेरिका वहाँ पे भी वेस्ट में भी यही होता है. यही तो इसलिए उन्होंने रखे चूंकि इतना लंबे इसके पत्ते हैं ना उसे इसके, तो उन्होंने कहा इसकी जबान बिल्कुल लगती है मदर इन लॉ. जब हम कभी मदर इन लॉ बनेंगे तो हमारी जबान भी इतना ही लंबी होगी. मैंने मैंने आप सबकी आसानी के लिए इसका नाम बदल दिया है, मैंने इसका नाम रख दिया डॉटर इन लॉ टंग. हाँ ये सही है. आपको मदर इन लॉ बनने की जरूरत नहीं है जबान लंबी करने के लिए. आपकी माशाल्लाह वैसी बड़ी हेल्दी और अच्छी जबान है. लेकिन ये चीज़ खवातीन हज़रात हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह आपकी लाइफ के अंदर हम इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन करें जिससे आपकी आपके घर वालों की सेहत बेहतर, और घरों में अगर आप ये वाले प्लांट्स लगाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल्स बैलेंस रहेंगे, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सारा दिन हम गर्द गुबार गंद गैसों में फिरते रहते हैं. जब अपने घर हैं तो घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आप अच्छी एयर ब्रीथ कर रहे हो ताकि आपको नींद अच्छी आए, आप अच्छा महसूस करें. इन प्लांट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए. मुसलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो. माशाल्लाह साहब नाना बन गए हैं, जो कि मुझे लगता है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जिंदगी में आपके भी छोटे छोटे बच्चे हों उन तक ये जो प्लांट्स लगाने का इनको ग्रो करने का शौक है उसको जरूर आगे बढ़े. वक्त हो जाता है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं. जिस तरह कि आप लोग जानते हैं हमेशा आप तक आगाही पहुंचा रहे होते हैं उन चीज़ों की जिनका बारे में लोग ज़्यादा मोहतात नहीं होते या कभी कभी उस बात को इग्नोर कर देते हैं. जिस तरह हम लोगों ने पिछले हफ्ते मना रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग वीक, आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक का आखिरी दिन है और आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है हमारी एक रेगुलर डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरहाना रहमान साहब. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, एक रीसेंट ट्रेंड है कि खवातीन थोड़ा सा हिचकिचाती हैं और कभी कभी एक लिमिटेड टाइम तक बच्चे को फीड कराती हैं और फिर टॉप फीड पे बच्चे को डाल देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल सबसे पहले तो पेशेंट्स मदर्स को ये पता अगर हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं तो शायद फिर वो उसको इस चीज़ को चूज़ ना करें कि वो ना ब्रेस्ट फीड करवाएँ. ज़्यादातर जो एक मेन कॉन्सेप्ट है कि आपकी मोटापा और इससे जो अमूमन माएँ बनने के बाद लड़कियाँ परेशान हो रही होती हैं उनको अगर ये पता चले कि ब्रेस्ट फीड कराने से मोटापा, शुगर और हार्ट डिजीज़ इस तरह की बहुत सारी बीमारी से माएँ भी बच सकती हैं तो शायद वो प्रेफर करेंगी कि वो ब्रेस्ट फीड करवाएँ. अच्छा, क्योंकि जो अमूमन औरतें ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उनको उसके नुकसान भी हैं थोड़े बहुत. जैसे कि अगर मैं बिल्कुल साफ बताऊं तो सबसे पहले तो ये कि ब्रेस्ट फीड करने का फ़ायदा क्या है. आप जब ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग को क्रिएट करता है. फिर दूसरी बात ये कि आजकल महंगाई का बहुत रोना है तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है. अगर आप फॉर्मूला फीड पर जाएँ, बॉटल्स पर जाएँ तो खर्चे ही खर्चे हैं बच्चे के. और 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव अगर ब्रेस्ट फीड आप करवाएं, बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे ये मिलते हैं. सबसे पहले तो पैदाइशी जो है वो आपके बच्चे को, कितने बच्चे डायरिया से मर जाते हैं हर साल,
तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, वो बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है, एंटी इन्फेक्टिव है अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट डायरिया। फिर इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बच्चे को जो उनकी बैक्टीरिया किलिंग एक्टिविटी है, जो बैक्टीरियाज को ख़त्म कर, जरासीम को मार रहे हैं। तीसरी चीज़ इसमें अम्यूनोग्लोबुलिंस यानी कि कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के, ऐसी माँ से चीज़ें बच्चे को आ रही हैं कि उसकी अपनी कुव्वत मुदाफियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर माँ के लिए आगे जाके कैंसर्स का आजकल बहुत कहा जाता है, कैंसर्स हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीड आप करवाएं 2 साल सही तरीके से, तो उसमें आप जो बच्चे अंडेदानी का कैंसर है और ब्रेस्ट का कैंसर, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बच सकें, यानी उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक हम मुद्दत का तयन करें, काफ़ी सारे लोग हैं ये मानते हैं कि 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और कुछ तो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 6 माह ही काफ़ी होता है। दोनों में फ़र्क है, 6 माह तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड है, ऊपर से पानी भी नहीं देना। नॉर्मल पानी की भी बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं है, डिहाइड्रेशन, या आप समझते हैं कि माए समझती हैं कि पानी पिला दें ऊपर से गर्मी है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीड में सब कुछ है। और 6 महीने के बाद जब आप वीनिंग, यानी हम जब जिसको कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल गज़ा की तरफ, नरम गज़ा की तरफ माए लेके जाती हैं, तो उस टाइम ये है कि आपका जो है वो 1/3 से ज़्यादा आपका ब्रेस्ट मिल्क रह जाएगा, बाकी 2/3 बच्चे को आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खाने पे लेके जाएंगी। और टोटल जो टाइम है वो 2 ईयर्स का है ब्रेस्ट फीड का, जो करना चाहिए। और मिनिमम कम से कम तो असर कोई भी नहीं है। अगर किसी को मजबूरी तो वो तो एक दिन भी नहीं करा सकेगा, ठीक है। और ना कराएंगे तो नुकसान है, कराएंगे तो फ़ायदा है। इसमें ये है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कराया तो बच्चे का कुछ नहीं बनेगा, जाहिर बात है दूसरे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है काफ़ी सारी फैमिली में कि एक बेबी होता है, किसी का एक बच्चा होता है, उसके फ़ौरन ही बाद उसी अगले ही साल एक और प्रेगनेंसी आती है, तो वो डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है। वो देखिए, इस पर प्रेगनेंसी इज़ नॉट द रीज़न टू डिसकंटिन्यू ना, प्रेगनेंसी वजह नहीं है। अव्वल तो ये कि अगर आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करवाएं तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कंसीव करने के या प्रेगनेंट होने के। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है एक तरह से। अच्छा। और अगर इनकेस आप हो भी गए और दूसरा बच्चा आ भी गया है, तो उसमें भी आप एक का हक ना मारें, क्योंकि उसके लिए आप अपनी फीड अच्छी करें ना, अपनी डाइट अच्छी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात आपने भी बहुत दफ़ा सुनी होगी, और ये हमारे माशरे में बहुत ही कॉमन है, जो कहते हैं ना दूध शरीक बहन भाई होते हैं, या दूध शरीक जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था बचपन में, कोई और खातून होती हैं, तो जो बच्चा जिसको अपनी हकीकी माँ के अलावा किसी और खातून के का दूध पिया हुआ होता है, तो क्या उसको हेल्थ बेनिफिट्स वही मिलते हैं? जी बेनिफिट्स तो वही मिलेंगे, तो बेनिफिट्स तो ह्यूमन मिल्क के हैं ना। अच्छा, माँ होने का फ़ायदा ये कि उसकी अपनी इमोशनल डेवलपमेंट, एक अपनी माँ से बॉन्डिंग हो रही है, और डिपेंड करता है कि उसकी माँ कितनी हेल्दी है और दूध पिलाने वाली जो दाई है वो कितनी हेल्दी है। तो जो कुछ औरतों में होगा वो उस बच्चे को उसका फ़ायदा नुकसान हो सकता है, लेकिन बात ह्यूमन मिल्क की अगर कंसिस्टेंसी की जाती है, वो सबका एक जैसा ही होता है, सबका एक जैसा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को जो टॉप फीड देते हैं उसके अंदर काफ़ी लोगों का ये मानना भी है कि डायबिटीज़ का खदशा होता है, क्योंकि जो डब्बे का दूध होता है उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, और उसके बाद बच्चा फिर किसी और चीज़ पे सेटल डाउन नहीं करता एक बार अगर वो टॉप फीड पे आ जाए तो। ये भी सारी आप कहने के बहुत सारी मिथ्स हैं, आप सारा डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पर और आपकी ग्रेजुअली, क्योंकि जो वर्किंग है उनके लिए तो ज़ाहिर बात है कभी ना कभी मसले होते हैं, और जितना जल्दी, असल में बात असर ये होती है कि पेरेंट्स या मदर्स रिजल्ट फ़ौरन चाहते हैं। अगर आप लेट्स सपोज बच्चे को वीनिंग भी स्टार्ट करवाएंगे, तो आप ये नहीं समझे कि आपने आज उसको खाना खिलाते तो कल वो पूरा प्रॉपर खाना खा लेगा। महीनों लग जाते हैं उसको एक चीज़ की एपिटाइट और टेस्ट डेवलप करने में और उसको एक्सेप्ट करने में। और समटाइम्स कुछ बच्चे कुछ चीज़ों से एलर्जन होते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है वक्त के साथ साथ। और टॉप फीड से अगर आपने उसको नॉर्मल उस पर लेकर आना है, या टॉप फीड कम देनी है, दूसरा दूध इंट्रोड्यूस कराना है, तो इट ऑल डिपेंड्स, ये सारी चीज़ें मेहनत चाहती हैं, इस पर थोड़ा टाइम लगता है और रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही इस टाइम में खेलना कूदना ज़्यादा चाहते हैं और खाने पीने में तवज्जो उनकी बहुत कम होती है। वो उनको सबसे बुरा काम खाना पीना लगता है। मैं तो सोचता हूँ डॉक्टर साहब, आज बचपन जाता ही नहीं एक कम से कम मुझे लगता है बचपन के अंदर हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव रहते हैं, हर वक्त दिमाग में स्पोर्ट्स और खेल का एक गलबा रहता है दिमाग में। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आज हम बात करें, बहुत सारी खवातीन का ये मानना है कि उनके अंदर जो मिल्क सप्लाई वो नहीं होता, नहीं आता, और काफ़ी सारी खवातीन जो डिफरेंट डाइट्स पे चले जाते हैं कहते हैं, और उससे खदशा ही होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाएंगे। नहीं देखिए, उसमें ये कि जो मैं एक बात बहुत उस तरह बता दूं कि जो मिल्क प्रोडक्शन जो है बेबी की, मदर की बेबी के लिए, वो ऑल डिपेंड्स कि आप फीड कितना करा रहे हैं। अगर आप फीड कराते रहेंगे तो मिल्क बनता रहेगा, क्योंकि ये फीडबैक रिस्पॉन्स है ब्रेन का,
उसको फीड मतलब एक रिस्पॉन्स वो आता है फीडबैक के और चाहिए तो वो और प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप छोड़ दें या बीच में गैप आ जाए, समटाइम्स बच्चे पैदा होते हैं इनक्यूबेटर पर चले जाते हैं, दो तीन दिन का गैप आ जाता है या वहाँ ड्रिप्स लग रही होती हैं, तो उस टाइम ये होता है कि इस पर गिठाने जैसे आप नॉर्मल समझते हैं कि सूख जाता है, गिठान पड़ जाती है, एब्सेस हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ख्म हो जाते हैं माओ के, तो उस वजह से भी माएँ कुछ टाइम के लिए अवॉइड करती हैं। तो फिर पीछे फीडबैक नहीं किया तो प्रोडक्शन स्लो हो गई, लेकिन वो दोबारा रिकवर हो सकती है जब आप दोबारा फीड स्टार्ट कर दें प्रॉपर। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब दो साल का अरसा गुजर जाता है, जब वो एडल्ट्स बन जाते हैं, उसके बाद आजकल पूरी दुनिया में एक अलग साइंस, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स चलते रहते हैं। एक साइंस है कि जो जानवरों का दूध है वो जानवरों के ही बच्चों के लिए है, वो इंसान के लिए नहीं है। और अब उसकी वजह से डेयरी फ्री डाइट बहुत जगहों पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि ये डेयरी फ्री है, जिस तरह ग्लूटेन फ्री है उसी तरह डेयरी फ्री डाइट भी हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है। तो ऐसे तो हम जानवर का गोश्त भी खा रहे हैं, तो उसका दूध लेने या उसके अंडे लेने में क्या हर्ज है? जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ी बहुत कैल्शियम मिल जाती है, थोड़ी बहुत प्रोटीन्स या थोड़ा बहुत फैट मिल जाता है, तो वो एक सिंपली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर आप दूध नहीं भी देंगे बच्चे को, तो आप कहीं और से कैल्शियम और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दूध ही पिए, मेन मकसद तो हमें कैल्शियम चाहिए, वो कहीं और दूसरी चीज़ों से भी आ सकता है, यूजुअली वो दूध से ही बनी हुई होती हैं। लेकिन ये कहना कि वो इंसानों के लिए नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई वैल्यू है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम गोश्त भी ना खाएं। बिल्कुल सही, वो भी ना खाएं, सिर्फ सब्जियाँ खाएं। आपके ख्याल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए दूध पीना ज़रूरी होता है? और दूध की क्वांटिटी इस पर सबको पता होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा दूध भी अच्छा नहीं है। लोग जो अपने बच्चों को कि जी सुबह भी मग्गा पिला रहे हैं, शाम में भी मग्गा पिला रहे हैं, 250 ml या 4 oz से ज़्यादा का दूध बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा दूध पीना जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता। डॉक्टर साहब, अगर ये देखिए, ये एक नॉर्मल मग होता है घर के अंदर, ठीक है, अगर हम ये ज़्यादा, ये 250 ml से ये ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ इसका, अगर एक बच्चा है जो कि तकरीबन अभी 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको अगर आप दूध पिला रहे हैं भैंस का, तो कितना पिलाएं? आधा पिलाएं? आधा, टू, आप अंदाज़ा लगा लेना, एक पाव का 250 ml का मतलब एक पाव होता है, एक पाव आप दे दें बस दिन में, काफ़ी चाय आप उसको आधा आधा करके दे, चाहे सुबह शाम में या एक दिन में एक पाव। रोजाना का आप कहने एक पाव दूध बच्चे के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा जो होगा वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बच्चे को, फिर वो आयरन डिफिशियंसी की कहानियाँ शुरू हो जाए। अच्छा, इतना काफ़ी है, बाकी दूसरी चीज़ें खिलाएं। क्योंकि आपको पता है ना, हमारे यहाँ हर चीज़ की एक ज्यादती होती है, लोग पैशनेट ज़्यादा हो जाते हैं एक चीज़ को लेके, दूध पिला रहे हैं तो बहुत पिलाएंगे, बहुत और मक्खन है तो बहुत मक्खन खिलाना शुरू जाएंगे, फिर बाकी चीज़ें नहीं खिलाते, और फिर माओं का गिला यही होता है कि हम तो इतना खिला रहे हैं बच्चा वजन नहीं बढ़ा रहा। तो आप बैलेंस डाइट का मकसद है बैलेंस्ड, हर चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी भी एक तरीके से इस तरह होता है खवातीन हज़रात के, जब आप बच्चे की डाइट को बैलेंस रखते हैं तो आप उसकी ग्रोथ भी फिर देख रहे होते हैं, आप उसका एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप खवातीन को कोई मशवरा देना चाहती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, वो क्या होगा मशवरा? सबसे पहले तो इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारा खवातीन पर स्पेशली जो हमारी बुज़ुर्ग खवातीन हैं उनमें एक रिवाज है कि फर्स्ट 1 या 2 days का जो डार्क कलर का येलो कलर का मिल्क आता है वो उसको डिस्कार्ड करते हैं कि ये गंदा दूध है। मेरी उनसे गुजारिश है कि उसको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट दूध है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो कुव्वत मुदाफियत के लिए एंटीबॉडीज अमीनोग्लोबुलिन होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि फौरी तौर पर कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि फौरी तौर पर बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो ग्रेजुअली कम हो जाती हैं। और जो ह्यूमन मिल्क की कंसिस्टेंसी है वो एक वक्त में और एक फीड में एक जैसी नहीं है, तो कोई भी ऐसा स्टॉप फीड का फॉर्मूला जो स्टैटिक बना लिया जाए कि ये पूरा कंप्लीट आपकी डाइट दे रहा है बच्चे को, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक फीड के दौरान ही ह्यूमन मिल्क की कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब सेम टाइप ऑफ या सेम टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं जा रहे होते। और तीसरी बात ये कि ब्रेस्ट फीड करवाना आपके अपने लिए फ़ायदेमंद है, आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और प्लीज़ डू ब्रेस्ट फीड, और जो प्रॉब्लम्स आपको छोटे मोटे आ रहे हैं उनके लिए गाइडेंस प्रॉपर मौजूद है, ज़रूर डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से कुछ टाइम पहले अपनी जो नर्स हैं या डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करें। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक के इशू होते हैं, और जिनके ऑपरेशन हुआ है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट फीड करवाना, अगर उनको बैठने में प्रॉब्लम है तो बहुत सारी ऐसी पोजीशन है, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट्स हैं जिससे वो बच्चे को बैठ के आराम से दूध पिला सकती है बगैर कोई तकलीफ उठाए। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खवातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी सलामकुम, आज जो हम बनाने जा रहे हैं असफर, वो मैं जो फातिमा है ना हमारी कोऑर्डिनेटर, हाँ। उनकी फरमाइश पर मैंने हमस बनाया है, वो मैंने बता दूंगी मैंने कैसे बनाया, उसमें काफी टाइम लगता है, हाँ। और हम एक बनाने जा रहे हैं ग्रिल टेरियाकी चिकन। ग्रिल करेंगे, हाँ। थोड़ा मसाले में तो डिफरेंस लगेगा, टेरियाकी और हमस एक साथ, वाह, हाँ, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। और ये पीटा ब्रेड है, हमने इसको रोस्ट कर दिया था बटर एंड गार्लिक में, थोड़े से सेसमी सीड्स मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे, तो ये हमारी ये भी तैयार है। अच्छा मैं आपको बताती चलूं हमस मैंने कैसे बनाया। मैंने इसमें 2 कप छोले लिए थे, ठीक है, 2 कप छोले लिए थे, उनको मैंने मतलब सोक किया था पूरी होल नाइट के लिए ताकि वो फूल जाए। तो बस वो 2-2.5 कप मैंने छोले लिए, उनको फुलाया, सुबह मैंने इनको बॉईल किया, वो भी कितना, सिर्फ 15 से 20 मिनट, ज़्यादा मैंने इसको बॉईल नहीं किया, वो आधे कच्चे थे आधे पक्के थे, ना वो 1 करनी थे ना वो 2 करनी थे, वो 3-4 करनी मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि इसका हम हमस बनाते हैं। फिर मैंने इसमें क्या किया, मैंने ब्लेंडर लिया, उससे मैंने छोले डाले, ठीक है, जो सोख थे हमने छोले डाले, उसके बाद मैंने इसमें 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला, ठीक है, 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन का रस डाला, लेमन जूस डाला, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैंने डाला नमक, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया, और तहीनी, तहीनी इज लाइक दिस के जैसे सेसमी सीड्स होते हैं, तिल होते हैं, हमने क्या किया, तिल हमने 1 कप लिया, उसको रोस्ट किया, ठीक है, मैं घर में बनाना बता रही हूँ, जैसे घर में आप लोग बनाएं तहीनी कैसे बनता है, बाजार में बहुत एक्सपेंसिव बॉटल मिलती है इसकी, आपने 1 से 1.5 कप आपने सेसमी सीड्स लिए, उसको हल्का सा टोस्ट किया, ठीक है, पैन में तवे पे व्हाट एवर यू हैव अवेलेबल इन द किचन आपने वो किया, उसके बाद आपने उसको ब्लेंडर में या ग्राइंडर में आपने डाला, उसके बाद उसके अंदर 3-4 टेबलस्पून आपने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया और उसमें 2 से 3 जो आइस क्यूब्स होते हैं वो डाल दिए ताकि उससे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होती है इनकी, आपने ये कर दिया, ठीक है, आपने इसको ब्लेंड कर दिया या ग्राइंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने हमस में भी 3 से 4 आइस क्यूब्स डाले थे जब हमने सारी चीज़ें की थी, तहीनी के 3-4 टेबलस्पून जाएंगे, 3-4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला, 2 कप हमने छोले लिए, चुटकी भर हमने काली मिर्च का पाउडर लिया और 1/2 टीस्पून हमने इसमें लिया जीरा पाउडर, ठीक है, और गार्लिक, जो गार्लिक के जवे होते हैं हमने ये 4 से 5 इसमें हमने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर दिया था, तो ये हमारा हमस तैयार हो गया। हमस के बाद हमने इसको यहाँ पे देखें सर्व कर दिया, उसके बाद हमने ऊपर से ऑलिव ऑयल डाला, थोड़े से छोले के चंक्स डाले और ऊपर से हमने पेपरिका पाउडर जो स्मोक्ड होता है वो हमने इस पर स्प्रिंकल कर दिया, तो ये हमारा हमस रेडी हो गया। चले अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन के लिए मुझे चाहिए हमारा वोक, ये आ गया हमारा वोक, हमने फ्लेम ऑन किया, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, लाइक 3-4 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ये बटर, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम अपनी मैरिनेशन की तरफ। ये हमारा चिकन है, हमने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे जो कि बीच में से मैंने इसको इस तरह काट लिया था, ठीक है, लंबे लंबे पीसेज में, जैसे हम पसंदे के पीसेज होते हैं, इस तरह से हमने इनको इस तरह से काट लिया था बीच में से, ठीक है। अच्छा इसमें मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है, ये पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, अच्छा ये पार्सले है ड्राई पार्सले ये इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून, ये चॉप गार्लिक है ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1.5 टीस्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट हम इसमें डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, ठीक है, ये हमने किया। अच्छा लीमू का रस इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा एंड सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो वाइट पेपर पाउडर होता है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बहुत इजी, बहुत जल्दी बनती है वाली चिकन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कैसे बनेगी क्या बनेगी, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना तो आप इसमें कोयले की भाप भी दे सकते हैं, कोयले का धुआं दे सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा। चलें जी अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। हमने क्या करना है, ये हमने ऑयल और बटर लिया था, हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है इस तरीके से, ठीक है, चाहे तो आप लोग ग्रिल पे भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसमें वोक पे बना रही हूँ। ये हमने इसके अंदर ऐड किया क्योंकि गार्लिक की एक इतना अच्छा अरोमा आ रहा है। अच्छा ये छोटे छोटे पीसेस जो बचे थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, वेस्ट तो आजकल कुछ नहीं करना, वैसी मुर्गी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हम वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते, तो जो भी है सब कुछ यू नो बना लें, वेस्ट नहीं करें। अच्छा अब मुझे चाहिए इसके लिए वुडन स्पून, इसको हम इतने स्टर फ्राई करेंगे इस तरीके से,
ये हमस ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़। अच्छा कुछ लोग छोले उबाल के हमस बनाते हैं, छोले उबाल के हमस बनाते हैं, लेकिन नहीं, छोलों को कच्चा थोड़ा सा रखना चाहिए, सोक कर दें होल नाइट के लिए, वो फूल जाएंगे। फिर आप उसको 5 से 10 मिनट आप उसको थोड़ा बॉईल कर लें, लेकिन पूरा नहीं गलाना है, क्योंकि उसका ज़रा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, बहुत स्मूथ टेक्सचर आएगा। ये हमारी चिकन है, ठीक है, इसको थोड़ी देर हमने इसको पकने देना है एक साइड से, फिर हम इसको अपसाइड डाउन करेंगे। बटर, गार्लिक, पेपरिका, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर पाउडर और लेमन जूस, ये सारा ऑयल और बटर में इतना अच्छा अरोमा आ रहा है कि आई थिंक सेट पे भी आ रहा होगा। आज किसी को खांसी नहीं हो रही, थैंक्स गॉड। उस दिन हमने ग्रिल किया था ना, इससे ज़रा ज़्यादा धुआं हो गया था। चले जी, ये हम अब हम इसको थोड़ा सा पलटते हैं, हम इसको पलटते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब पीटा ब्रेड हो या अब हम इसके डिनर रोल्स भी हम सर्व कर सकते हैं। डिनर रोल्स के अंदर चिकन रखें, थोड़ा सा हमस लगाएं बेस पे और सलाद के पत्ते रखें, क्यूकम्बर थोड़ा सा काट के रखें और फिर आप ये वाला चिकन का एक पीस रखिए और फिर आप खाइए, यू विल लव इट। और यही चीज़ आप सेम पीटा ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सैंडविच इसका बना के दिखा दूंगी कि हाउ यू कैन मेक सैंडविचेस। चलें जी, ये हमने पलट दी चिकन को, बस 7 to 8 मिनट्स एक साइड से पकाना है, 7 to 8 मिनट दूसरी साइड से पकाना है, ताकि ये थोड़ी जूसी रहे। ज़्यादा पकाने से क्या होता है, फिर चिकन जूसी नहीं रहती, वो थोड़ी सी रबरी हो जाती है। चलें जी, ये हमने इसको ये किया। ये मेरे पास काफ़ी दिन से मेरे पेज पे फरमाइश आ रही थी, लाइक हमस बनाना सिखाइए, हमस बनाना सिखाइए। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, आप हमस की रेसिपी देख सकते हैं कि हमस का एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स। अगर मैं यहाँ कुछ 19-20 कर भी देती हूँ इंग्रेडिएंट्स बताने में, तो डोंट यू वरी, रेसिपी कार्ड आप लोगों के सामने होगा, तो आप उसमें एज इट इज़ जो मेजरमेंट्स हैं आप लोग देख के बना सकते हैं। और हमें फीडबैक दीजिए, दिया कीजिए, आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसी लग रही, बिकॉज दे आर सो ईजी एंड सो क्विकी कि आप लोगों को मज़ा आता होगा, आई होप सो। क्योंकि मेरे पेज पे तो मेरी जो मेरे फैंस हैं लाइक फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो सारे तो बहुत ही पसंद करते हैं, तो आप लोग भी हमको फीडबैक दिया कीजिए कि हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, कमेंट्स दिया कीजिए और अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं। और डेली जिनका ये प्रोग्राम मिस हो जाता है, आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रही है पूरे मुल्क में, तो आप लोग यूट्यूब पे डेली ये अपलोड होता है प्रोग्राम शाम को, और रात को 1 बजे रिपीट होता है TV1 पे, तो आप लोग ज़रूर देख के जो आप लोगों की मिसिंग चीज़ें हो जाती हैं तो आप उधर से पूरा कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम थोड़ा और पलटते हैं इस तरीके से, एक तरीके से ये स्टर फ्राई कर रहे हैं हम चिकन को। चलिए, इतने ये स्टर फ्राई में करी, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चिकन को ग्रिल कर रही थी, लाइक बना रही थी, सॉटे कर रही थी, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ग्रिलर मेरे पास अभी नहीं है, तो मैंने वोक में बनाया। तो ये देखें, हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी। आई थिंक 1 से 2 मिनट और मुझे लगेंगे इसमें चिकन बनाने में। तो ये देखें, अच्छा ब्रेक पर जाने के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड किया था, थोड़ा सा लाइक उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा सा स्वीट एंड सावर टेस्ट होता है थोड़ा सा, तो वो इसमें आ गया है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ब्राउन शुगर, नहीं है तो वाइट शुगर आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर भी देखें, इस तरह का हो गया, लाइक ब्राउन्स में चला गया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग ये कलर भी देख सकते हैं इस चिकन का। अच्छा जी, इतने ये चिकन हमारा रेडी हो रहा है, मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हमस के लिए मैंने लिए थे 2 कप छोले, उनको मैंने होल नाइट के लिए सोक किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सुबह 5 से 10 मिनट मैंने इसको बॉईल किया, जिसमें 3 से 4 कन्नी रह गए थे छोले, ठीक है। हम इसको बिल्कुल वेल्डन नहीं करते हैं, ठीक है, हम इसको बिल्कुल वेल्डन नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्राइंडर लिया मैंने, ग्राइंडर में मैंने इसमें डाले छोले के बाद मैंने इसमें डाला लेमन का रस, फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर
और लहसुन के जवे 4 से 5, ऑलिव ऑयल 3 to 4 tablespoons, इसको डाल के मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल यू नो पेस्ट की तरह बन गया, पेस्ट की तरह बन गया। हमने उसको फिर इस तरह सर्व कर दिया। उसके बाद हमने ऊपर से ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल किया और 1, 2, 3, 4 छोले हमने एज अ प्रेजेंटेशन के लिए हमने इस पर रख दिया। अच्छा, अब आ जाए पीटर ब्रेड की। तो पीटर ब्रेड मैंने लिया, उसके मैंने स्लाइसेस किए, उसके बाद मैंने उससे बटर लगाया, थोड़ा सा गार्लिक स्प्रिंकल किया, थोड़ा सा ओरेगानो स्प्रिंकल किया, उसके बाद मैंने इसको टोस्ट किया, अवन के अंदर बेक कर दिया। तो हमारी ये पीटर ब्रेड रेडी है। एक दिन मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक पीटर ब्रेड एट होम, पीटर ब्रेड घर में कैसे बनाई जाती है। बहुत ईजी है, कोई इसमें लाइक रॉकेट साइंस है कि पता नहीं कैसे बनता है, क्या बनता है, सब ईजी है। आप लोग आराम से हर चीज़ घर में बना सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए चिकन की तरफ। मैंने इसमें 2 breast pieces लिए थे चिकन के, ठीक है, उनको मैंने बीच में से लंबे लंबे से स्टेक पीसेज होते हैं वैसे हमने कट कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला, वाइट पेपर पाउडर डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, लेमन का रस डाला और मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर भी हम इसी में ऐड करते हैं मैरिनेशन में, लेकिन मैंने बाद में डाल दी बिकॉज आई फॉरगॉट, इंसान है, भूलैया हो जाती हैं। और फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला, लेमन का रस डाला, ठीक है, और फिर हमने इसमें ओरेगानो और पार्सले मैंने ड्राई लिया था, वो मैंने 1/2 teaspoon मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो हमने ये मैरिनेशन कर दी। उसके बाद मैंने इसमें 3 tablespoons ऑयल डाला, 1/2 teaspoon मैंने इसमें बटर ऐड किया, अनसॉल्टेड बटर। फिर मैंने चिकन को इस तरह से पका लिया, ठीक है। ये हमारा चिकन भी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। चलें जी, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं सर्व और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका सैंडविच हम कैसे बन। चले, हमने इसका फ्लेम ऑफ किया, अब हम आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। जो बड़े पीस हैं हम इस तरह यहाँ रखते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर रखा यूं करके और ये वाला पीस आ जाएगा इस तरीके से, बहुत जूसी है। और ये जो है हम इसके ऊपर रख देंगे लाइक दिस, इस तरीके से हमने ये पूरा एक हमारा समझे सिंगल सर्विंग हमारी ये हो गई है। अच्छा, आई नीड टिश्यू, मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा हमने क्लियर कर देते हैं, यहाँ से हम ये हटा देते हैं, ये हमने यहाँ से क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक सैंडविच की तरफ कि सैंडविच हमने कैसे बनाना है। देखें, हमने ये ली पीटर ब्रेड, ठीक है, अब हमने इसमें लगाया ये हमस, इस तरीके से हमने इसमें ये हमस लगाया, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का टेस्ट नहीं होता हमस का, बिकॉज दिस इज मेडिटेरेनियन, हमस जो है मेडिटेरेनियन डिश है, तो ये अगर हमस नहीं लगा तो आप लोग मेयोनेज लगा सकते हैं, आप लोग चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं, आप लोग केचप लगा सकते हैं, जो बर्गर सॉस मैंने आप लोगों को 3 दफ़ा सिखाया है आप लोग वो लगा सकते हैं इसके अंदर। ये मैं फ़िलहाल इसमें हमस लगा रही हूँ। देन वट आई हैव टू डू, ये मैंने लेटस लिया, ठीक है, हमने ये सैलड लीव्स इस पर रखे और ये जो चिकन का पीस है, ठीक है, हमने इस तरह से इसमें रखा लाइक दिस ऐसे। ये बहुत अच्छा मज़े का सैंडविच बनेगा और ये जो मेरे होस्ट हैं ये वो ही खाएंगे, उनके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये हमने ये किया। अच्छा, दूसरा पीस हमने इस तरह से लिया और हमने इसको इस तरह से हमने इसका ये सैंडविच बना दिया। देखें कितना मज़े का लग रहा है और आप लोग खाएं, इसमें क्यूकम्बर रख दें, इसमें लेटस और डाल दीजिए, थोड़ा सा कैबेज जो होता है उसको आप बिल्कुल पतला पतला श्रेड करके आप लोग डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत मज़े का लगेगा, बहुत जूसी बनाए। तो ये हम सैंडविच एक यहाँ रख देते हैं और हमारे होस्ट आ चुके हैं। सुनिए, हमें इतना येलो क्यों लग रहा है? असल में मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और ऊपर से पेपरिका पाउडर डाल दिया है। अच्छा जी, इससे हाँ, वैसे अंदर से नहीं लग रहा, अंदर से नहीं लग रहा, देखिए अंदर से पूरा वही वाला अंदर जो है वो है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारा सैंडविच भी रेडी हो गया, हमारा ग्रिल चिकन भी रेडी हो गया, हमारा हमस भी रेडी हो गया। तो आप लोग प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई तो ये सबसे पहले ये करते हैं। इनको मेरा कोई खाना बुरा नहीं लगा अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था नौरीन, मुझे लगता है हमें कल कोई स्वीट डिश बनानी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही सोची थी और मैंने यही लाइन रखी थी, कोई डिफरेंस है, मैं एक फ्रेंच डिजर्ट सोच रही हूँ। क्या? क्रोसॉन के साथ बना रही हूँ। वेरी नाइस, वो बेक करेंगे हम उसको, बहुत मजे का बनता है ना, लव दैट। अच्छा खवातीन हजरात, आप लोग जानते हैं कि TV1 हमेशा से आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाने में आगे रहा है। आज रात एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले आप देखेंगे रात को 8 बजे TV1 पे, प्यार के नगमे में, जिसका नाम है मोतिया सरकार। इसको लिखा है कलीम काजमी ने, डायरेक्टर हैं सीमा ताहिर खान, कास्ट में है मुनीब भट्ट, आमना इलियास, आयशा गोल और साइमा कुरैशी। आज रात 8 बजे TV1 की स्क्रीन पर मोतिया सरकार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आमना इलियास को सब लोग जानते हैं, बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है हमारे मुल्क की,
और क्या बेहतरीन एक्टर है। तो चलिए चल के मोतिया सरकार का ट्रेलर देखते हैं। गुलशन भाई के अड्डे पे रहने की जगह कम और नाचने की जगह बहुत ज्यादा है। मैं ना एक ही चीज दोबारा करने के पैसे लेती हूँ। आज तुझे मोती की बातें बकवास लग रही है, तू देखियो कल तुझे यही बातें सोने से भी ज्यादा कीमती लगी। मोतिया भाई पहले घुंघरू तो पहन लो। कौन है? तवाइफ है, नाचने वाली है, धंधा करती है, ये बोलती? क्या बात है गुलशन भाई, तेरा कोठा बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, धंधा चौपट हो गया क्या? कि मैं जाके सब कुछ बर्बाद कर दूं, हर चीज को आग लगा के राख कर दूं, ये चाहती है तू? ये शानदार प्ले आज रात 8 बजे आप देखेंगे प्यार के नगमे में। इसका नाम है मोतिया सरकार, इसको डायरेक्ट किया है सीमा ताहिर खान ने और इसके राइटर हैं करीम काजमी और कास्ट आप देख चुके हैं क्या शानदार कास्ट है, सामा कुरैशी, आयशा गुल जो कि दो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ आमना इलियास और मुनी भट्ट। बहुत ही बेहतरीन कहानी लग रही है, बड़े इंट्रीगिंग सी स्टोरी है, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। और टी वी वन के हमेशा से जो लॉन्ग प्लेज जो सिंगल प्लेज रहे हैं वो एक बहुत ही अपनी इंफरादियत आज तक कायम रखते हैं। आप देखती हैं वैसे प्लेस? यूट्यूब पे देखती हूँ उसपे क्योंकि टाइम नहीं होता, लेकिन आई ऑलवेज वॉच ड्रामा लेकिन यूट्यूब पे लगा सुकून से। लेकिन वैसे आपको किस तरह का क्या जॉनरा पसंद है मूवीज में? एक्शन, लव स्टोरी, हॉरर? एक्शन हो गया, फिक्शन हो गया, हॉरर, एंड थोड़ी हॉरर हो गई, साइंटिफिक साइंटिफिक मूवीज होती हैं इस तरह से, मतलब सारी किस्म की पसंद है और रोमांटिक भी बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रोमांटिक पसंद है। एग्जैक्टली, है ना? बाकी में मुझे रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है। मुझे लगता है रोमांटिक मूवीज देखिए कभी कभी आप वही परफेक्ट रोमांस अपनी असली जिंदगी में से एक्सपेक्ट करना शुरू exactly. हाँ, फिर बहुत अजीब सा लगता है। बिल्कुल, जब पूरा नहीं उतरे एक्सपेक्टेशंस। खवातीन रोजात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे शानदार पाकिस्तानियों से, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्ट्राइक, फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से इस वक्त जो कि बिजनेस वुमेन हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं और बहुत ही शानदार बिजनेस कर रही हैं और इन सबको हमारे तक लेकर आती हैं एक बहुत ही बेहतरीन खवातीन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, कैसा प्लेटफॉर्म देती हैं इन खवातीन को जो कि छोटे छोटे कॉटेज बिजनेसेस करती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रही होती हैं ताकि बाकी लोगों तक उनका नाम पहुंचाया जा सके। हमारे साथ हैं शमा राशिद, CEO Women Entrepreneur। अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत दिन बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है, तकरीबन 5 महीने बाद। 5 महीने बाद, बिल्कुल। शमा क्या कर रही हैं आजकल, कब है आपका अगला एग्जीबिशन? मेरी एग्जीबिशन हो रही है 12 अगस्त को। अरे वाह। और यूनियन क्लब में हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है समझे, फैमिली फेस्टिवल करवा रहे हैं, पूरा जश्न आजादी मना रहे हैं वहाँ पे। एक्सेलेंट। और हमारी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने स्टॉल्स भी लगा रही है, एग्जीबिशन भी है उसमें, बहुत सारे जो हैं हमारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, केक का कॉम्पिटिशन है, मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन है उन सबकी थीम जो है वो पाकिस्तान है। एक्सेलेंट। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉम्पिटिशन है, तो जितनी भी चीजें हो रही हैं सब पाकिस्तान के लिए हो रही हैं वहाँ पे। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और यहाँ पे भी एक कंपटीशन, इनका खुद से कंपटीशन चल रहा है अपने आप से कि मैं पिछली बार से इस बार कितनी लूट मचा सकती हूँ, और ये हर बार मैं कह रहा हूँ कि मैं बातों में कहीं भी लग रहा होता ना, मैं पलट के देखता हूँ तो आधा स्टॉल खाली होता है। तो दिस इज माय प्लेस। ये देखे माशाल्लाह, देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये माला भी एंड ये भी। हाँ अच्छा, और हमारे साथ है किरण रजाक। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? किरण प्लीज दिल की धड़कनों को आप आउट ऑफ कंट्रोल मत करें, कुछ नहीं, बहुत अच्छी है नौरीन, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है। कब से करें यहाँ पे काम? ये मुझे 2-3 साल। 2-3 साल हो गए, और शुरू कैसे किया? शुरू सिस्टर काम करती थी, उनको देख-देख कर शौक हुआ कि मैं भी कुछ करूं। अच्छा। टेक्सटाइल का भी मैंने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया और फाइन आर्ट का भी किया, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज बनाऊं। और आप का कैसे इनसे? इनसे मेरा फेसबुक के थ्रू रब्ता हुआ था। मेरी असल में एग्जीबिशन डॉलमन मॉल क्लिफ्टन में भी होती हैं, तो मुझे वहाँ पे कुछ यूनिक करना था, तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मुझे बहुत यूनिक सा काम चाहिए किसी का भी जो हमारी क्राफ्टर वगैरह हो, तो फिर इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया,
सो ये लोग आई मेरे पास, इन्होंने अपना काम दिखाया तो मुझे बहुत पसंद आया। तो माशाल्लाह से कितने 4-5 महीने हो गए हैं ये लोग मेरे साथ हैं और हर एग्जीबिशन में मेरे साथ होती है। अभी आपका जो 12 अगस्त को एग्जीबिशन होने वाला है उसके सारे स्टॉल्स क्या सब सोल्ड आउट है? नहीं, कुछ रहते हैं अभी, वैसे हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, हो गए। और अभी और अगर कोई लोग चाहते हो अब बिल्कुल अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जाना चाहती हैं, क्योंकि हम खवातीन को ही चांस देते हैं, हम मर्द हजरात को नहीं देते इतना ज्यादा। खुदा जी क्या बात है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। खवातीन और साथ शमा राशिद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। 12 अगस्त को इनका एग्जीबिशन होने वाला है यूनियन क्लब में, उसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन आपकी मुलाकात लोगों से भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। शमा राशिद हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो कि कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर से इनका ताल्लुक है और 12 अगस्त को इनका बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन होने वाला है। एक फैमिली एग्जीबिशन है जहाँ कॉम्पिटिशन होंगे, बेतहाशा स्टॉल्स होंगे एट द यूनियन क्लब। आप अगर कराची में हैं या कराची आ रही हैं किसी और शहर से, तो आपने एग्जीबिशन ज़रूर अटेंड करना है। हम बात कर रहे थे किरण रजाक से। किरण, अब 3 साल से ये काम कर रही हैं, शौक पड़ा, ट्रेनिंग ली या घर में कोई पहले से? डिप्लोमा किया मैंने, टेक्सटाइल का डिप्लोमा किया और शौक भी था, बहुत शौक था। हाँ, खुद बनाने का, सिस्टर को देख देख कर। हाँ, हाँ, मुझे शौक हुआ कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ। और ये बहुत ही खूबसूरत अपने हाथों से ये काम किया हुआ है। मुझे बताते क्या प्राइस रेंज है इन चीज़ों की? इनकी 350 है। अच्छा, अगर अभी आप शेफ नौरीन को देख रहे हैं, ये शेफ नौरीन ने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है, हाथों में रिंग्स हैं और इयर रिंग्स हैं, इनका कितना बिल बन गया होगा? प्राइस रेंज क्या है करें इन चीज़ों की? प्राइस रेंज 230 से स्टार्ट होती है और 1500-1600 तक। अच्छा, 1600 रुपये तक, इससे ऊपर नहीं जाता? नहीं। अच्छा, अगर कभी किसी चीज़ के ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे ये बहुत ही एक यूनिक किस्म की इयरिंग है। बिल्कुल, ये इयरिंग ही है ना जी? आई थिंक इट्स वेरी यूनिक। हाँ, एग्जैक्टली। क्या खूबसूरत है, देखिए, ब्यूटीफुल। अगर कोई आपको कहता है कि इस तरह की मुझे 500 चाहिए या 600 चाहिए, और कितने वक्त में? उस पर टाइम लगेगा, टाइम लगता, लेकिन एक दिन में 2-3 तो एयरिंग्स बन जाते हैं। और ये सब आप खुद डिजाइन कर रही हैं? खुद डिजाइन कर रही। बेहतरीन। और ऑनलाइन अभी आप? हाँ, ऑनलाइन स्टोर कर रही हैं, कहीं किसी आउटलेट पे? एग्जीबिशन और ऑनलाइन सिर्फ। अच्छा, और रिस्पॉन्स कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इसमें से कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आती ये है? ये बैंगल्स एंड इस तरह के जो इयररिंग्स हैं वो। हाँ, ये तो मैंने 14 अगस्त के लिए, ये भी पूरे हैंडमेड है। ये भी इयररिंग्स है? ये भी ब्यूटीफुल इयररिंग्स, बहुत ही खूबसूरत। देखें, एग्जैक्टली ब्यूटीफुल, खूबसूरत। हां, नौरीन का बस नहीं चल रहा कि ये खा भी जाए ना नौरीन। लेकिन मुझे नौरीन, एक जो मुझे खुशी जिस बात की होती है वही होती है कि ये सामान तो है खूबसूरत, क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है। और आप किरण कितनी सारी लड़कियों को इस वक्त इंस्पायर कर रही होंगी ये बिज़नेस शुरू करने के लिए। लेकिन कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, वो एकदम से इमीडिएटली अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, नहीं मिलता। कभी दिल बर्दाश्त हुई इस चीज़ नहीं, पर? कभी नहीं, कभी नहीं। इस चीज़ से तो मैं और सीख गई हूँ कि यानी कि अगर मुझे लॉस होता है कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सेलिंग के लिए थोड़ी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जो चीज़ें वो दिखा रही हूँ लोगों के। बिल्कुल सही बात है, किरण के लिए तालियां होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी दोस्त की तरफ। हमारे साथ हैं फरिया अजमत, जो कि बेकर हैं। सलाम अलैकुम फरिया, कैसे हैं? खैरियत से? फरिया कब से बेकिंग कर रही हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए बेक्स, और वो फौरन से देखें हमारी जज वहाँ मौजूद है जो के लिए मैच भी कर रहा है वैसे। सब कुछ मेरी सब मैच कर रहा है। 5 साल पहले आपने काम शुरू किया जी। और मुझे बात बताएं क्या वजह थी शुरू करने की? शौक था आपको शुरू से या ट्रेनिंग ली हुई थी? ट्रेनिंग काफ़ी सारे जैसे भाई, शौक था जब भी ट्रेनिंग ली, और शौक था डिज़ाइनिंग का, क्रिएटिविटी का, कलर्स से खेलने का। तो आजकल पता है आपको डिज़ाइनर केक्स, थीम केक्स, कस्टमाइज केक्स, वही मेरी स्पेशलिटी, मैं ज़्यादातर उसी पे काम करती हूँ। और बेक स्टेशन के नाम से? बेक स्टेशन। बेक स्टेशन का जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है,
कोई भी त्यौहार हो, कोई ओकेजन हो, आपके घर के अंदर कोई अच्छा फंक्शन होने वाला हो, तो आप बेक स्टेशन से इस बार केक बनवा रहे हैं। मुझे बताएं, कभी ऐसा भी होता है कि लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, आपने तैयारी कर ली फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया? ऐसा होता है, लेकिन अब इसलिए नहीं हो पाता कि आप हाफ पेमेंट पहले ले लेते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो केक्स आपके ऐसे तो होते नहीं हैं कि हज़ार दो, जाहिर सी बात है कस्टमाइज केक्स हैं वो कॉस्टली ही जाते हैं, तो अगर आप हाफ पेमेंट पहले ले लें तो फिर कस्टमर इस तरह की चीज़ें अच्छा, नहीं करता। आप सेफ सेफ प्ले कर रही होती हैं। अच्छा, क्या क्या वैरायटी है और बेक स्टेशन पे किस किस चीज़? बेक स्टेशन पे वैसे तो मेरे पास तमाम हर तरह के केक्स हैं, चीज़ केक्स हैं, ब्राउनीज हैं, कप केक्स हैं, थ्री मिल्क केक हैं, रेड वेलवेट जितने भी आजकल आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेरी स्पेशलिटी है वो ये है कि लोग मुझे पिक्चर भेजते हैं कि मुझे ये बनवाना है, ये वाली गाड़ी बनवानी है, ये वाली बाइक बनवानी है इस कलर में हो, तो मेरी कोशिश होती है, मुझे मज़ा भी उसी में आता है कि एग्जैक्ट टू जो चीज़ें बना कर दूँ। मोस्टली चैलेंजिंग भी होता है। हाँ, चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन फिर जब वो हो जाता है तो अब मास्टर, हर पीस जो होता है मास्टरपीस ही होता है। अच्छा फरिया, कितना मुश्किल होता है एक फैमिली के साथ बिजनेस रन करना? आपकी फैमिली सपोर्टिव रही शुरू से? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड सब माशाल्लाह सपोर्टिव। कहते काम करो, बिल्कुल करो। नहीं कहते तुम क्या किन चीज़ों में पड़ गई, मुझे टाइम दो, क्या हर वक्त तुम किचन में घुसी हुई हो? हाँ, नहीं तो हर वक्त नहीं घुसी रहती, अब मैनेज करके करती हूँ। लेकिन ये है कि कुछ भी आप करने चलें, जब तक आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव किड्स, तीन बेटे हैं मेरे, छोटे बड़े हर साइज़ के। सिर्फ वो भी तो इन्वॉल्व हो गए होंगे इस बिजनेस में। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी कभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया तो मेरा कोई ना कोई बेटा मेरे साथ रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन KWE के प्लेटफॉर्म से भी विन करें, और इसके साथ साथ चलते जाते जब भी अब क्षमा के अल्हम्दुलिल्लाह KWE की मैं एडमिन हूँ, इनके साथ काफ़ी चीज़ों में इनके साथ चल रही होती हूँ, तो मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया। अभी भी मेरे हस्बैंड भी मुझे ड्रॉप करते हुए गए, और जाहिर सी बात है जब फैमिली सपोर्टिव होती जब भी आप कर पाते। ये टर्की गई थी और वहाँ पे भी जाके एक केक फैक्ट्री में घुसी हुई थी और मैंने इनके सारे लाइव वीडियोस देख रही थी, वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आई हैं ये। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या करती हैं, फिर वर्कशॉप्स लेकर आई हूँ, वहाँ पे अलग ही दुनिया है और जो कस्टमाइज केक्स की बहुत वैरायटी है। आप कोई कोर्स करने गई थी ऐसे? मेरा दो तीन चीज़ें थी ऐसे ही, थोड़ा सा घूमना भी था, मेरे हस्बैंड का भी ऑफिशियल ट्रिप था, और बेसिकली मुझे वर्कशॉप्स लेनी थी और मुझे एक मीटिंग प्लान करनी थी कुछ वहाँ की एक शेफ़ है उनके साथ, उनकी मुझे यहाँ पे क्लास कंडक्ट करवाने के लिए कुछ उनसे बातचीत करनी थी, तो उस सिलसिले में मुझे जाना था। एक्सेप्ट फरिया के लिए तालियां होनी चाहिए। ये जो सफ़र है सीखने का और अपना जो क्राफ्ट है वो लोगों तक लाने का, ये सफ़र कभी रुकना नहीं चाहिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा आपको इन शानदार खवातीन से मिलाने का। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज आपकी मुलाकात हम इन बेहतरीन खवातीन से करा रहे हैं जो कि अपने शानदार बिजनेसेस चला रही हैं, और बहुत जल्द आप भी इनसे मिल सकते हैं। 12 अगस्त को यूनियन क्लब में शानदार एक एग्जिबिशन होने वाला है कराची विमेन एंटरप्रेन्योर्स का, आपने यकीनन जाना, इट्स अ फैमिली एग्जिबिशन जहाँ पे बेतहाशा स्टॉल होंगे और वहाँ पे बेक स्टेशन का भी स्टॉल होगा। आप स्टॉल पे क्या कर रही हैं एग्जिबिशन में? ऑब्वियसली केक सेल कर रही हूं, लाइव बेकिंग कर रही हूं, लाइव बेकिंग, लाइव डेकोरेशन हो जाएगी, क्योंकि कब आपको पता है 14 अगस्त पे वो ग्रीन और वाइट कपकेक्स पसंद करते हैं बच्चे स्पेशली, तो उस तरह की एक्टिविटी होगी, बाकी कपकेक्स की वैरायटीज होगी, डिफरेंट डील्स होंगी, आज़ादी डील्स काफ़ी सारी डिस्काउंटेड डील्स हैं, और मेरे साथ और भी बहुत सारी बेकर्स हैं जो कि वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा रही हैं, तो आप लोग आएँ। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूँगी कि जो भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो फैमिलीज हैं जिसमें छोटे बच्चे हैं, आएँ इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करें, और बच्चे काफ़ी उनको अट्रैक्टिव चीज़ें होती है, अपने हाथ से अपने कपकेक को डेकोरेट करना या जो चीज़ें बनानी इस तरह से, और बल्कि और भी कोई बेकर्स हैं जो कि अपना काम दिखाना चाहती हैं तो वो भी आके हमारे साथ वहाँ पे बिल्कुल स्टॉल लें, हमसे पुटअप करें और हमारे साथ आके दिखाएं वहाँ पे। आपको पता है आजकल हम लोग काफ़ी दफ़ा बातें कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो है हर वक्त फ़ोन में लगे हुए हैं, बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, बड़े होके एक कन्फ्यूज्ड एडल्टहुड में चले जाते हैं। जितनी भी वालदाएँ हैं, जो माएँ हैं, अगर उनको कोई हुनर आता है
और वो कोई काम करती है तो बच्चों को उसके अंदर लगाएं, उनसे आधे आधे छोटे छोटे काम करें, चाहे वो 4-5 साल की उम्र क्यों ना हो बच्चे की, वो बच्चे की शख्सियत के अंदर काम करने की जो सलाहियत है वो बिल्डअप होती है, एक जहन खुलता है, क्रिएटिविटी उजागर होती है और पॉलिश होती है, और फिर आगे चल के वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मार्का ज़रूर मारते हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया फरिया आपका। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ हैं सनम शाहरुख एंड आपसे। अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम बिल्कुल मत डरे, कुछ नहीं होगा आपके स्टोर को। नहीं कोई भी बात नहीं। सनम कब से करी? ले सकती हैं सब कुछ। क्या आपने क्या कहा सर? दोबारा ले सकती हैं सब कुछ। मैं आपको नजर नहीं आ रहा। आप ये मुझे भी कह सकती थी सनम। आप खरीद सकते हैं सब कुछ। अच्छा। सनम कब से कर रही हैं आप ये काम? मुझे 9 इयर्स हो चुके हैं। माशाल्लाह, 9 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। और शुरू कैसे किया? शुरू एज एक पेज बनाया था मैंने, ऐसे ही मजाक मजाक में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था मैंने, तो उसके बाद मैंने ड्रेसेस पे स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे शौक हुआ कि मैं कुछ यूनिक चीज़ें बनाऊं, तो उसी तरह मैं रिसर्च करती रही इसमें, रिसर्च करते करते फिर ये बैग्स बनाना स्टार्ट किए, बंजारा जैकेट्स बनाए और इसमें हैंडमेड ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी भी बना लेती हूँ। आर्ट क्राफ्ट का जो भी काम है ना वो हर चीज़ कर लेती हूँ मैं। और ये आप अपने हाथ से खुद बनाती हैं? यस। ये आपकी कोई टीम है, लोग रखे? नहीं, टीम नहीं है, बस 3 सिस्टर्स हैं जो साथ में मिलके घर पे ही करते हैं, सारा सेटअप घर पे ही है। अरे माशाल्लाह। और आप मुझे बात बताइए, एक बैग बनाने में कितना वक्त लगता है? बैग्स में बनाने में इसकी बेस तो 1 डे और उसके बाद एक्सेसरीज 1 डे। 1 डे मतलब 2 डेज में रेडी हो जाता है पूरा बैग, 2 दिन में। ये इतना खूबसूरत बैग, बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, ये हमारा जो काम है ना ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा जाता है, लाइक ये जो है ना बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं हमारे। ये बैग्स भी हैं, बंजारा जैकेट्स भी हैं, इस पे एक्सेसरीज बनाते हैं हम, किचन्स बनाते हैं, बीड्स के इस तरह के किचन्स भी बनाते हैं, एयरिंग्स भी बनाते हैं, ये हर तरह की चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम, मैं सिर्फ सर्च करती हूँ, रिसर्च करके फिर बनाती हूँ, खुद सीखती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आपने बैग है जो कि 5 साल पहले बनाया हो, कोई बाहर लेके चला गया और उसकी आपको तस्वीर भेजे कि ये दोबारा मुझे चाहिए, तो आप बना देंगे? यस, बना लेते हैं दोबारा बना। लेकिन हम ये कि ये विंटेज का, जो विंटेज होते हैं नेकलाइंस, लाइक इंटीरियर सिंह से हम नेकलाइंस लेते हैं, 100 नेकलाइंस लेते हैं, उसमें से फिर सिलेक्ट करते हैं एक बैग के लिए 5 नेकलाइंस, फिर उसको मैच करके हम बनाते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें। अच्छा, और ये जो आपने बंजारा जैकेट्स बनाई हुई है आपने? यस, ये नूरीन को मैं पहनाती हूँ ये वाली जैकेट। चलो भाई, नूरीन का तो आज नूरीन जैकेट का दिन बन गया है। बैक साइड से दिखाइए, ये आप बैक साइड से देखें, ये सारा विंटेज हमने नेकलाइन लगाया इस पे। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। फ्रिल हमने नीचे से फ्रिल लगाए इस पर, इस तरह बनाते हैं ये, समझिए मेरा एक डिस्प्ले पे, इस पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं मुझे, इस पे बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं। और शेफ नौरीन बहुत स्मार्ट भी लग रहा है आपके वैसे। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बंजारा जैकेट है। बंजारा, अब आप डफरी लेके कि निकल मत जाइएगा। नौरीन को फ्री दरवाजे, नौरीन को यहाँ से बाहर जाने के रोके बोलते कि निकल जाऊँ। लेकिन सुनिए, इनकी प्राइस रेंज क्या है सर? ये जैकेट डिपेंड करता है 3,000 से 6,000 प्राइस है इनकी, और बैग्स पे 1,200 से 6,500 रेंज। अच्छा, यानी 7,000 से ऊपर कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज 7,000 के अंडर है। अंडर है। अच्छा, अगर कोई शख्स बाहर जा रहा हो, जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, आपसे कोई कहे कि मुझे इस तरह के 12 जैकेट चाहिए या 15 जैकेट चाहिए, आप वही बना देंगे? यस, ये मेरा पूरा होलसेल ही काम है इस पर ना, ज्यादातर जाता है मेरा होलसेल पे सारा, ज्यादातर काम जाता है। अच्छा, बहनिया बड़े ऑर्डर लेते हैं? यस, बड़े ऑर्डर। और आप इस वक्त कहीं पर डिस्प्ले नहीं कर रहे? सब सोशल मीडिया के थ्रू? यस, ऑनलाइन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया? यस, लाइव भी करती हूँ मैं। हाँ, लाइव भी करती हूँ इस पे रोजाना, मैं अपने पेज से। अच्छा, लाइव जाती है अपने घर से करके, और चीजें भी दिखाती हैं लोगों को, तो वहाँ से भी उनको ऑर्डर्स वगैरह, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा। अच्छा सर, मुझे बात बताएं कि चूंकि आपके लिए तकरीबन 9-10 साल पहले ये काम करना शुरू किया था, मुझे लगता है कि 9-10 साल पहले भी पाकिस्तान में और हमारी जो एक एथनिक कम्युनिटीज है वहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव लोग होते, बेटियों को इतना ज्यादा एक कॉन्फिडेंस नहीं देते कि काम करो, उनको कहते हैं कि नहीं घर रहो, पढ़ लो, बस शादी करनी है, इस तरह। आपकी फैमिली का क्या रवैया था जब आप? मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है माशाल्लाह से, वो हर जगह पे साथ होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं वो, मतलब लाइक अगर मैं किसी काम में बिजी भी हूँ ना तो वो बच्चों को भी संभाल लेते हैं, खुद बच्चों को संभाल दे के आप अपना काम कंप्लीट कर लें, इस तरह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे हस्बैंड। नौरीन पूछने वाली थी ऐसे हस्बैंड कहाँ से मिलते हैं।
लेकिन ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है, अगर आपके पार्टनर्स और आपके जो फैमिली मेम्बर्स अगर वो सपोर्टिव हो तो ऑफ कोर्स आप इसी तरह का शानदार काम करते हैं और नाम रोशन करते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई खातून है जो कि अपने घर में इस वक्त आपको देख रही है या फॉर दैट मैटर आपको या किरण आपको, अगर वो एक आपके पास आना चाहे ये काम सीखना चाहे, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा जो सदका जारिया हो सकता है वो ये है कि आप अपना हुनर किसी को सिखा दे ताकि उसकी जिंदगी बन जाए, उसका कोई तरीका सोचा हुआ है आपने? अच्छा, ये एक्टिविटीज करवाती रहती है शम्मा हमें, शम्मा इस प्लेटफॉर्म पे हमें लाई है कि एक्टिविटीज हम करवाती रहते हैं, लाइक बैंगल्स हमारे जो स्टॉल्स होते हैं उसपे सिर्फ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सामान ही रखा होता है, वहाँ पे लोग आके बाकायदा सीखते भी हैं, सीखते भी हैं, तो हम लोग उस वक्त लाइव सेशन में सिखा भी रहे होते हैं लोगों को, तो वो हमारे जितने भी स्टॉल लगे होते हैं उन सब पे सिखाया जा रहा होता है। और आपकी मुलाकात कैसे हुई सनम से? सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी, क्योंकि मुझे अपनी एग्जीबिशंस के लिए नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, नए नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं, तो फिर मैं बस पोस्ट लगाती हूँ और फिर लोग जो होते हैं मेरे ग्रुप में वो मुझसे रब्ता कर लेते हैं। अच्छा सनम, अगर आपको कोई आपका क्लाइंट है वो कॉल करके कोई आइडिया दे रहा हो कि जिस तरह कोई छोटा बटवा मुझे इस तरह का बना दे, तो आप वो भी बना सकते हैं? यस, वो भी बनाते हैं हम, जो भी कोई आइडिया जी जी आइडियाज वो देते हैं, कलर्स मैचिंग, इवन के मैचिंग भी मुझे सेंड करते हैं कि आप इस मैचिंग पे हमें ईद पे बना के दें या कोई फेस्टिवल होता है उसके थ्रू भी मैचिंग पे भी मैं बना लेती हूँ। जबरदस्त सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कांग्रेचुलेशन, आप बहुत ही बेहतरीन काम करें भाई, सनम के लिए तालियां। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा जो सिलसिला है आपको बेहतरीन खवातीन से मिलाने का वो जारी रहेगा। सनम आपका शुक्रिया, फरी आपका शुक्रिया, और किरण आपका भी शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारी दो और बहुत ही अच्छी दोस्तों ने, बहुत टैलेंटेड है, हमारे साथ हैं अफशा सप्तैन जो के स्पा डे होम के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अफशा आप कब से स्पा का ये काम कर रही हैं? दो साल हो चुके हैं हमारे काम को स्टार्ट हुए, उससे पहले सैलून था जो कोविड के टाइम पे आपको मालूम है बहुत सारी चीजें वाइंड अप हुई हैं, बिजनेस शट डाउन, तो हमने वो शट डाउन करके पहले हमने नियर बाय एरिया को कवर किया और होम सर्विसेज स्टार्ट की हमने, फिर अभी निशा आहिस्ता आहिस्ता करके ऑल ओवर द कराची और बहरिया टाउन भी कवर कर रहे हैं अब हम। Excellent. जी, ओवरऑल कराची सर्विसेज दे रहे हैं अब हम। बेहतरीन, जबरदस्त। और अभी ये जो एग्जीबिशन हो रहा है इसके अंदर भी आपका स्टॉल है? एग्जीबिशन में बिल्कुल हमारा स्टॉल है, और एग्जीबिशन में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम 15% ऑफ लेकर आए ऑल ओवर सर्विसेज के ऊपर, तो जो लोग वहाँ पे आते हैं एग्जीबिशन अटेंड करते हैं उनको इस पार्टी होम की तरफ से हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, और वहीं पे भी कुछ हो रहा होगा? वहाँ पे तो हमारा स्टॉल है, वहाँ पे नेल आर्ट वगैरह जो छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं वो हम जरूर करवा रहे होंगे, मेहंदी होगी वहाँ पे। अच्छा। तो जो लोग आएंगे वो सब अवेल कर सकते हैं वो सर्विसेज। क्योंकि मैंने देखा कभी भी एग्जीबिशन पे जाओ ना तो स्पा के कॉर्नर में पेडिक्योर तो लाजमी होता है, पेडिक्योर मैनिक्योर हो रहा हो तो बहुत सारे लोग मैंने देखे वहाँ बैठे हुए, मर्द हजरात खास तौर पर, कि मैं पेडिक्योर करा तो जाओ सब लूट लो, मेला लूट लो। और वैसे जरूरत भी है, ये देखिए नौरीन पूरा साल आपके एग्जीबिशन का वेट करती है कि एग्जीबिशन होगा तो मैं जाऊँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अफशा, काम शुरू कैसे किया आपने, क्या शौक था आपको ये ट्रेनिंग आपने ली? ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग तो काफ़ी अरसे से चल रही थी क्योंकि सैलून था अपना, तो मैं खुद जो हूँ हेयर कलरिस्ट हूँ, हेयर आर्टिस्ट हूँ, हेयर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, और बाकी जो सर्विसेज हैं उसके लिए स्टाफ मौजूद है वो करते हैं, तो काम चल रहा था इसी तरह से। अच्छा, और फैमिली सपोर्टिव रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शादी से पहले भी सपोर्टिव थे, शादी के बाद भी घर वाले, ससुराल, सारा सारे सपोर्टिव, हस्बैंड खास तौर पे। अभी आपका जो आउटलेट, अभी कोई आपका आउटलेट, कोई सैलून नहीं है? सैलून नहीं है, इट्स अ होम सर्विस ओनली। ठीक है, तो ऑल ओवर कराची है? ऑल ओवर कराची है, और हमारे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, और जो दूसरे सर्विसेज हैं उनसे बहुत कम अभी हमने अपने पैकेजेस रखे हुए हैं, और बहुत कम अमाउंट में आप बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बेहतरीन। और अभी आप मेजरली ऑनलाइन ये बिजनेस कर रहे हैं? जी, सारा ऑनलाइन ही है, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा पेज फेसबुक पे भी है स्पादी होम के नाम से, तो वहाँ से भी हमें बुकिंग्स मिल सकती है। एक्सलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे खवातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं साइमा फहीम। सलामुलेकुम साइमा, कैसे हम? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साइमा, आपका ये क्लोथिंग ब्रांड है? या, मेरा, और आप ज्वेलरी भी एक साथ? ज्वेलरी है। और कब से कर रही हैं आप ये काम? 5 years back। अच्छा, शुरू कैसे किया? शुरू बस डिजाइनिंग का शौक था तो कुछ इस तरह से बन गया। नहीं, तो आप कोई पहले काम कर रही थी इससे पहले या एकदम से? जी, इससे पहले से मेरे क्लॉथिंग का था, फिर प्रॉपर ये हुआ कि अपना नाम से किया जाए जब करना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम
इस पर आ गया और फैमिली आपकी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज फैमिली या अच्छा अभी आप क्या डिजाइन कर रही हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है व्हाट इज द स्ट्रेटजी जैसे आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है स्ट्रेचिंग का इतना टाइम वेस्ट करने का लोगों ये होता है बस जाए और ले ले तो हमने उनका काम थोड़ा आसान करने की कोशिश की है और अभी कौन से फैब्रिक के अंदर आप काम कर रही है सब ओरिजिनल है जितना लॉन है कॉटन है इंडियन है हमारे पास चाइना की है मतलब डिफरेंट स्टफ्स हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं उसे हम रिकमेंड करके उसके ऊपर फिर अपनी डिजाइन और ये 3 पीस है 2 पीस है इसमें स्टार्ट मैंने कुर्ती से लिया था अब ये है कि हम 2 पीस पर आ गए इंशाल्लाह सून 3 पीस पर भी आ जाएंगे और क्या क्या प्राइस रेंज है इनकी डिफरेंट है कुर्तीज के स्टार्टिंग फ्रॉम 1550 टिल 3000 एक्सेलेंट और 3000 से ऊपर कुछ नहीं राइट नाउ कोई भी नहीं सब 3000 के अंडर आते हैं सारे बेहतरीन अच्छा अगर कोई खातून है जो कि कस्टमाइज कुछ कराना चाहे या आपको एक चीज के ज्यादा ऑर्डर्स देना चाहे बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है यस सो आपकी कोई टीम है सामो या सब कुछ खुद करती है राइट नाउ वन वुमन वाला है वन वुमन शो एक्सेलेंट एंड व्हाट अबाउट द ज्वेलरी ये आप ये मेरे हस्बैंड का काम है प्लस ये कि ऑनलाइन करती हूं मैं अपना काम तो मेरे पास बाहर के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो उस हिसाब से मैं थोड़ा इंटरेस्ट यहां पर भी आ गया अच्छा नहीं तो आपको आप खुद ज्वेलरी डिजाइन कर बेहतरीन जबरदस्त आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज थिंग और बहुत ही मजेदार काम है अगर आप इनके कपड़े भी देखें कलर सिलेक्शन ये सब कुछ अच्छा आप एलैबोरेटेड और काम नहीं कर रही अभी ब्राइडल वेयर या सेमी फॉर्मल राइट नाउ जस्ट कैजुअल जबरदस्त हमारे साथ शमा भी है जो कि कराची विमेन एंटरप्रेन्योर की सीईओ है और बहुत जल्द 12 अगस्त को यूनियन क्लब के अंदर एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन होने वाला है मैं चाह रहा हूँ खुद भी एक दफ़ा बता दें आगे आ जाए शमा बिल्कुल 12 अगस्त को होने जा रही है हमारी एग्जीबिशन यूनियन क्लब में आप लोग सब लोग आएँ जो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे उनका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं हमारी एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल्स होंगे और वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी मतलब कपड़े ज्वेलरी खुसा हैंडीक्राफ्ट्स अब तो मतलब बच्चों की बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हैं और बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर हमारे साथ बेहतरीन और टाइमिंग्स क्या होंगे टाइमिंग है दोपहर को 3 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और रात को तकरीबन 10-11 बजे तक इस एग्जीबिशन चलेगी और एक ही दिन है खाली एक ही दिन है 12 अगस्त जी इनको ज्वेलरी दिखानी है प्लीज दिखाएं ना ज्वेलरी जी 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 श्योर आपके साथ ही एक हां जी बिल्कुल दिलावर ओके कभी प्लीज इसमें जैसे सिल्वर में हमारे पास इतना मैं ला नहीं सकी हूँ जितना हमारे पास माशाल्लाह चीज़ें या कैटेगरीज है रिंग्स है ब्रेसलेट्स है करा ज्वेलरी है या श्योर गो है ओके वाओ वेरी नाइस और ये आपने डिजाइन की हुई है या बेहतरीन और ये ब्रेसलेट्स रिंग्स ये सब ब्रेसलेट्स रिंग्स और इनकी क्या प्राइस रेंज है सर इनकी एक्चुअली ये सिल्वर में सिल्वर कलेक्शन है अच्छा सब सिल्वर में है या तो जो है इसमें तो आपको पता है रेट सब डाउन होते रहते हैं एग्जैक्टली बेहतरीन और ये भी आपका ऑनलाइन मौजूद है या मेरा ऑनलाइन है अभी तक मैं इसका ऑनलाइन बाहर के लिए कह रही हूं सून इंशाल्लाह इन पाकिस्तान भी हमारा खवातीन और सैमा फहीम के जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं आप जा सकते हैं और ये खूबसूरत चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और साइमा का भी इस वक्त दिल धड़क रहा है तेज़ी से क्योंकि वो अपना सामान जाते हुए देख रही है लेकिन कोई बात नहीं वैसे आपने यहाँ इसको कैसे ये स्टॉल आपने कैसे नॉर्मली खाली छोड़ दिया बहुत बहुत शुक्रिया आज का द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए और शमा थैंक यू वेरी मच आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं पाकिस्तान की खवातीन को एक शानदार प्लेटफॉर्म दे रही हैं ताकि वो पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकें और अपना जो हुनर है पूरी दुनिया तक फैला सकें लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको बताते चले कि 12 अगस्त को यूनियन क्लब में कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक बेहतरीन एग्जीबिशन होने वाला है एक फैमिली अफेयर अपनी फैमिलीज के साथ जाइए बच्चों को भी लेकर जाइए दोपहर 3 बजे से रात 10-11 बजे तक चलेगा इट्स गोना बी अ ग्रेट इवनिंग शायद हम लोग भी वहाँ आपसे मुलाकात हो हमारी भी जरूर क्यों नहीं ये तो बड़ा दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ बस रहने दे शमा ये तो मैंने खुद कह दिया बट एनीवे इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा एक बेहतरीन से शो के साथ और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी करें टेक केयर फॉर सेल्फ खुदा हाफिज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू